हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, इन सभी को हम रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे आज आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। तो देखो, पहले एक दो पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। लोकेट करना या रिप्रेजेंट करना, बात एक ही है कि लोकेट करना नंबर लाइन पर। देखो, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है ना, इसका मतलब ये है रियल नंबर। अब इसमें रियल नंबर जो लिया है, देखो मैंने क्या बताया था आपको, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिला के ही रियल नंबर बनता है। तो हम रेशनल हो या इरेशनल, दोनों को एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस पर, एक नंबर लाइन पर। ठीक है, और रेशनल इरेशनल ये सब मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, फर्स्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम के नाम से। तो उसमें सब कुछ आपको नंबर्स का उसमें ज्ञान हो जाएगा आपको। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है, ये ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। मतलब जो नंबर लाइन है हमारी, कोई भी नंबर लाइन है वो ना एक यूनिक, एक जो नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट है वो यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोले, बात एक ही है दोनों का, नंबर लाइन हो या रियल नंबर हो। तो अभी मैं आपको ना क्या सिखाता हूँ, रूट टू को ना कैसे लोकेट करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आपको यही समझ में नहीं आया होगा कि रूट टू और रूट थ्री को कैसे, आपकी बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, तो दोनों में से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन करीब यहाँ पर जीरो होगा, तो यहाँ क्या होगा, देखो -1, -2, -3 ऐसे होता है। ठीक है ना, यहाँ से पहले भी -1/2 आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो सेम एज क्या हो जाएगा, 1। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा दूर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रूट टू को थोड़ा सा अच्छे से करना है, तो 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 3। अब 0 और 1 के बीच में नंबर्स होते हैं, 1 और 2 के बीच में नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, रूट टू को क्या करना है, एज अ रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पर। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सिंपल सा पॉइंट है, आप ध्यान से देखोगे, बहुत इजी पार्ट है ये, रूट टू को करना है ना, रूट टू रूट थ्री को करना बहुत इजी है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो आपको फिर कभी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर जीरो है ना, इसको ओ मान लेंगे। देखो, जीरो को मैं ऊपर लिख देता हूँ हल्का सा, इस ओ पॉइंट से हम एक नंबर की डिस्टेंस लेते हैं, ओनली 1। ठीक है, 1 नंबर की डिस्टेंस ली, तो यहाँ 1 है, तो 1 से ना हमने एक, मतलब 1 मीटर की और डिस्टेंस ले ली, 1 सेम 1 मीटर की ये ली थी अगर 1, तो ये ही 1 मान लिया मैंने। ठीक है ना, आप ये तो पढ़े होंगे स्क्वायर, स्क्वायर आपने पढ़ा है, देखो ये स्क्वायर होता है, थोड़ा गलत बन गया है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और जस्ट अपोजिट साइड भी 1 ही होंगी। ठीक है ना, तो सेम मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक 1 मीटर की लिया, तो ये भी 1 मीटर, तो ऑलरेडी ये भी 1 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तब भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं क्या करूँ, इसको इससे मिला दूँ, स्क्वायर में मैंने क्या कहा था, एक डायगनल होता है, डायगनल को मिला दूँ, पहले यहाँ देखेंगे आप, तो ये 1 मीटर था, ये 1 मीटर था, तो हमारा ये जो डायगनल है ना, ये कैसे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, अगर ये मेरा ए बी सी डी है, या ऐसे मान लीजिए ये ओ था ना हमारा, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है और सी है। ठीक है ना, अब ओ ए, ओ बी, ओ सी, सॉरी बी सी और सी ओ, ये सब सबकी डिस्टेंस जो है 1 है। ठीक है, स्क्वायर है, तो अब क्या करोगे आप, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम में देखो, ये ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ये 90 है, स्क्वायर है, तो क्लियर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से हमें क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपने पढ़ाई है प्रीवियस क्लासेस में। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, क्या बोल देंगे, ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही तो होता है, तो OB का स्क्वायर निकालना, हमें ये निकालना है, तो क्या करोगे, OA क्या होगा हमारा, इजीली OA है हमारा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा 2, क्लियर है, 2 हो गया, यानी OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो OB कितना हो जाएगा, रूट 2, क्लियर है, हमें रूट 2 ही चाहिए,
हमें रूट टू चाहिए, समझ में आया? मतलब क्या किया हमने, यहाँ से 1 मीटर लिया और यहाँ से भी 1 मीटर का हमने क्या कर दिया, ये डायगनल हो गया, ठीक है, मैंने वहाँ समझाया था। अगर ये हमारा क्या हो गया डायगनल, तो ये वैल्यू क्या होती है हमारी, रूट टू, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप रूट टू। जब ये चीज आप निकाल लो, सिर्फ याद रखना 1 मीटर की लेंथ लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रूट टू आ गया, अब हम क्या लेंगे, एक कंपास लेंगे, कंपास में आपको क्या करना है, जहां से ये ओ पॉइंट है ना, इस ओ पॉइंट से आपको क्या करना है, यहां की लेंथ पर जो हमारा इसको डायमीटर मानेंगे, कंपास लेंगे और ये जो है ना ओबी, इसको मैं अगर ओबी बोल रहा हूं, ओबी को हम डायमीटर मानेंगे, डायमीटर मानकर यहां पर ऐसे कंपास ऐसे होता है ना ऐसे, तो क्या मारेंगे, एक आर्क लेंगे, क्या मारेंगे, एक चाप, चाप बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हम क्या लेंगे, आर्क लेंगे ऐसे करके, ठीक है, आर्क लिया मैंने, तो यहां से पूरा ऐसे आर्क मारा, आप लोग पेन ड्राइव मुझसे मानना, सॉरी कंपास से खुद ही लेना, तो यहां से मैंने आर्क मारूंगा, तो यहां पर कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके पॉइंट आएगा, ठीक है ना, तो नंबर लाइन पर ये जो पॉइंट होगा, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट ही हमारा रूट टू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, नहीं आया समझ में? सिर्फ इतना करना है कि ओ कोई पॉइंट लेना है, ओ जीरो से, ओ पॉइंट लेने के बाद में हमें क्या करना है, 1 मीटर की लेंथ इधर लेनी है, तो 1 मीटर की उसके परपेंडिकुलर लेनी है, 1 मीटर अगर हमने ऐसे लिया तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर 1 मीटर लेंगे, तो 1 जैसे ही लिया तो हमने 1 एंड 1 स्क्वायर लिया था हमने 1 एंड 1, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा रूट टू। जैसे ही रूट टू आया तो कंपास पकड़ेंगे, कंपास में इसको डायमीटर मान के ओ पॉइंट से डायमीटर मानेंगे, किसको, इसको ओबी को, और वहां से क्या करेंगे, एक चाप मारेंगे, एक आर्क लेंगे, और आर्क यहां पर जाएगी, और जो पी पॉइंट आएगा यहां पर, यही हमारा रूट टू को प्रेजेंट करेगा। मतलब रूट टू किसके बीच में होता है, आपने रूट टू की वैल्यू भी पढ़ी होगी, 1.41 के बीच में होती है, तो वही वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब बात करूं अगर मैं रूट थ्री की वैल्यू की, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.171 के करीब होती है, क्लियर है ना। तो चलो आप यहां तक इसे देखो, नोट डाउन करो, ऑब्वियस सी बात है, बस क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर दिया आपने, क्लियर है ना। चलो मैं अब रूट थ्री को समझाता हूँ, किसको समझाता हूँ, रूट थ्री को कैसे करेंगे, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। देखो अब यहीं से मैं क्या करूँगा, आपको रूट थ्री समझाऊंगा, ठीक है ना। अब रूट थ्री जैसे ही समझ में आ गया आपको, रूट फोर, रूट फाइव, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक मैं इसे मिटा रहा हूं, दोबारा से करेंगे, ठीक है ना, रूट थ्री का। चलो तो देखो रूट थ्री की बात करूँगा अगर मैं, तो सेम एज नंबर लाइन लेंगे, रूट थ्री की बात करते हैं, तो ये नंबर लाइन है, क्लियर, यहाँ ये माइनस पार्ट होता है, ये जीरो से होगा, ठीक है, इसको ओ रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया मैंने, -1, -2, -3, इससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है, मेन पॉइंट क्या है हमारा, 1, 2, 1, 2, 3, 4, आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेम एज अगर हमने रूट टू जहाँ तक लिया था पहले उसको लिख लें, ठीक है। रूट टू का क्या होता है, देखो 1 यहाँ लेते हैं, अभी समझाया मैंने, फिर 1 सेम लेंथ की इधर ले लिया, और उसके बाद में हमने इसको मिलाया बाई पाइथागोरस थ्योरम से, ये रूट टू निकाल दिया था, क्या निकाल दिया था, रूट टू निकाल दिया था, हमने ओ ए लेंथ ली थी 1, ठीक है ना, ओ ए, यहाँ पे ओ ए थी ना, ओ ए लेंथ क्या ली थी मैंने 1, और यहाँ बी पर हमारा क्या हो गया था, ए बी भी 1 थी, तो सेम एज अब मैं क्या करूँगा, देखो जब हम ऐसे करके किसी पे परपेंडिकुलर लेंगे तो ऐसे सीधा होगा, और इस सीधे पर अगर परपेंडिकुलर लेंगे इस पे, ठीक है ना, ये टेढ़ा है ना, अगर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लूँ मैं तो कुछ इस तरीके का होगा, क्लियर है ना, 1 मीटर, तो सेम है अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर लिया ये करके, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया, क्लियर है ना, इस पॉइंट पर, इस किस पर ले रहा हूँ मैं, इस रूट टू पर ले रहा हूँ, किस पर ले रहा हूँ, रूट टू पर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया, देखो अगर इस सीधी लाइन पर तो यों लेंगे, अगर ऐसी टेढ़ी लाइन पर परपेंडिकुलर लेंगे तो यों आएगा ना, क्लियर है ना, कुछ टेढ़ा आएगा, तो सेम एज अगर मेरा ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर लिया और ये भी लेंथ 1 है, क्लियर है, तो देखो ये एक लाइन थी रूट टू, ये 1 है, तो अब मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। देखो ये भी अगर इस लाइन को ऐसे ना लेके अगर मैंने सेम ये ले लिया और इस पर परपेंडिकुलर लिया ऐसे, तो अब जो हाइपोटेनियस आएगी वो ये वाली होगी ना, सबसे बड़ी लाइन, ठीक है ना, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, यहां से ओ पॉइंट से इसको मिला दिया मैंने, ठीक है ना, ये 1 मीटर की थी, अब नाप के पूरा 1 मीटर नाप के लोगे तो सेम एज ये यहां पर आएगी, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, देखो ओ ए ए था, अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, तो ओ बी ये सी था, ठीक है ना, तो ओ सी पार्ट चाहिए मुझे कि ओ सी पार्ट कितना आया, तो सेम एज पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, देखो फिर से ये ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो पहले क्या करोगे आप, ये वाली लाइन है,
ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ओसी का स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हो ना, ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको समझ में आया, ओसी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ओसी हमें पता नहीं है, इक्वल टू ओबी कितना है हमारा, ओबी है आपका रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये ओसी हमें निकालना ही है। अब क्या करोगे, रूट टू का स्क्वायर टू होता है प्लस वन, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, तो ओसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको मैं थ्री लिख दूं, टू प्लस वन थ्री, थ्री स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो गई, इस जगह पर हमारी क्या आएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो हो गई हमारी रूट थ्री। ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है हमारी, रूट थ्री है, क्लियर है ना। अगर ये हमारी रूट थ्री है, पहले यहाँ रूट टू था ना, इससे हमने चाप मारी थी ऐसे करके, तो ये चाप यहाँ पर कोई पी पॉइंट में हमारा क्या था, रूट टू रिप्रेजेंट कर रहा था, यही तो था। अब देखो रूट थ्री का क्या करेंगे, अब जब ओ है ना, ओ सी की हम क्या करेंगे, सेम एज कंपास लेंगे और ओ सी को डायमीटर बनाएंगे, ओ सी को क्या बनाएंगे, डायमीटर बनाएंगे। डायमीटर अब अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपने सर्कल तो पढ़ा ही होगा ना, तो जो ओ पॉइंट से, जीरो पॉइंट से हम अगर वो जो ये जो डिस्टेंस होती है ओ से इस लाइन तक, तो ये क्या होती है, डायमीटर होती है। और यहाँ से हम क्या मारते हैं, आर्क लेते हैं, ठीक है ना। तो सेम एज इतनी बड़ी आर्क लेंगे और उस आर्क से हम क्या करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ कहीं पॉइंट पर आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर ये चाप मरते हुए ऐसे आप चाप मारेंगे, ठीक है ना, आर्क लेंगे और ये इस जगह पे आएगा और इस पॉइंट को हम क्यू दे देंगे और ये जो क्यू है वो रूट थ्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रूट थ्री को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं ना रूट फोर की, अगर रूट फोर की मैं बात करूँ, रूट फोर तो ऑलरेडी टू होता है, ठीक है ना, तो इसको तो हम रिप्रेजेंट प्ले कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि अगर इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, वन लेंगे, ठीक है ना, वन लेंगे तो ये वाला रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री का स्क्वायर वही हो जाएगा प्लस वन, यानी फोर आ जाएगा ना, तो फोर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू। तो यहाँ से जैसे ये लेंथ बनेगी, ये क्या होती है हमारी रूट फोर होती है, और यहाँ से चाप मारेंगे तो उस टू पर ही जाके गिरेगा, ठीक है। सेम एज फाइव, तो फाइव के लिए इधर जाएंगे और यहाँ से फाइव पर पहुंचेंगे, तो रूट फाइव की बात करेंगे ना, तो टू से ज़्यादा वैल्यू होगी रूट फाइव की, ईजी है, आपको सब वैल्यू समझ में आ गई होंगी। और रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, यानी हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम आपकी रूट एन की भी वैल्यू आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें क्या निकालना होगा, उससे पहले हमें उससे पहले निकालना होगा रूट एन माइनस वन, मतलब उससे एक डिजिट पहले निकालनी होगी, क्योंकि देखो पहले हमने वन निकाला था, वन हमें ये लेंथ पता थी, वन ले लिया, वन उससे रूट टू आ गया था, उससे रूट थ्री आ गया, तो सेम रूट एन निकालना है, तो उससे पहले हमें क्या बताना होना चाहिए, रूट एन माइनस वन, और उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो रूट एन भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मतलब हम नंबर लाइन पर कंप्लीटली रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो रेशनल हो, ठीक है ना। थैंक यू, आप पीछे वाली वीडियो देख लें, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, उस पर जाके आप क्या करोगे, ऐप डाउनलोड कर लोगे, साइड में स्टडी मटेरियल का एक पार्ट है, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है, ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है, तो उस पर क्या करोगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, आपके नंबर को मैं एक ग्रुप में इंक्लूड कर दूंगा, और जिस टेस्ट देना चाहते हैं, जिस चैप्टर का आप टेस्ट देना चाहते हैं, मैं वो टेस्ट आपको लाइव कर दूंगा, जिससे आप वो टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।